हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम अपने बच्चे को बात देते हैं, नहलाते हैं, तो नहलाते समय कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। तो उसमें से ही एक बात है कि जब हम अपने बच्चे को नहलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि नहलाते समय बच्चे की आइज़ में, नोज़ में या माउथ में बाई मिस्टेक पानी चला जाए या फिर साबुन चला जाए, तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों को नहलाते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप में से ही कुछ जो मॉमी हैं उनका मेरे पास कमेंट था कि मैम, मेरे बच्चे को नहलाते समय उसके आइज़ में और नाक में पानी चला गया, मैं क्या करूँ, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो हमें इस कंडीशन को आने ही नहीं देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले जब भी आप अपने बच्चे को नहला रहे हैं तो बच्चे को कि बच्चा जब हम बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है, और बच्चा इतना छोटा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, बच्चे के कहीं लग ना जाए और कोई गलती हमसे हमारे बच्चे के लिए ना हो जाए, तो हम भी खुद बहुत अपने बच्चे के लिए डरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले जो एरिया ले रहे अपने बच्चे के लिए वो एकदम साफ़ सुथरा, थोड़ा स्पेसियस होना चाहिए, जिससे कि आप आराम से कंफर्ट होकर अपने बच्चे को नहला सकें, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी आप पानी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी लें और गर्मियों में आप नॉर्मल पानी ले सकती हैं, बहुत ठंडा पानी आपको अपने बच्चे के लिए नहीं लेना। एक तो पानी का ध्यान रखें, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि आजकल बच्चे को नहलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनमें कि आप आराम से अपने बच्चे को लिटाकर नहला सकते हैं, ना तो उससे बच्चे की आँख में पानी जाता है, ना ही नोज में और ना ही माउथ में, बच्चा आराम से इंजॉय करके आराम से नहा लेता है। तीसरा, यदि आपके पास कोई भी साधन नहीं है कि जिसमें कि आप अपने बच्चे को लिटा कर नहला सकें, आप खुद ही बच्चे को अपने टब में लेकर नहलाते हो या हाथ में लेकर नहलाते हो, किसी भी तरह से आप नहला रहे हो, तो एक जो शावर कैप आती है बच्चे की, शावर कैप आपको आराम से जो भी साइट्स हैं उन पर मिल जाएंगी, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ से आप वो शावर कैप यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छे से आराम से आप बच्चे के हेड को कवर करते हुए पीछे तक होता है, जिससे क्या होता है जब भी आप अपने बच्चे को नहलाते हैं तो नहलाने से जो बच्चे के आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, उस पर पानी नहीं आता, बच्चा आराम से नहा लेता है, और किसी भी प्रकार का साबुन का पानी या कैसा भी पानी बच्चे के नाक मुंह में नहीं जाता है, और बच्चा बहुत इंजॉयफुल इंजॉय करता है नहाते समय। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वो शावर कैप भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी बास्केट आ रही हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे आपको आइटम मिल जाएंगे जो जिनमें कि आप अपने बच्चे को आराम से लिटा कर नहला सकते हैं, आराम से, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपको कुछ भी सामान कॉस्टली पड़ रहा है जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसके लिए शावर कैप बहुत ज़्यादा अच्छा है। शावर कैप आप बच्चे के सर में लगा कर आराम से अपने बच्चे को बात दे सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप बच्चे को नहलाते समय जो भी शैम्पू सोप बच्चे के लिए यूज़ कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चे की आँख या नोज में चला जाए तो उसको मिर्ची लगे। कोशिश करें कि अगर आपका बहुत छोटा बच्चा है तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, जब बच्चा बड़ा हो जाए तभी आप शैम्पू साबुन ये यूज़ करें, अदरवाइज आप अवॉइड करें। सिंपल बात आप अपने बच्चे को दे सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी आप बच्चे के लिए साबुन या शैम्पू का मीन्स चयन कर रही हैं, उनको सिलेक्ट कर रही हैं, तो वो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, जो बेबी सोप है वो ही आप यूज़ करें और बेबी शैम्पू वही यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप जो भी मन में आ रहा है वो अपने बच्चे पर आप अप्लाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, शावर कैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को सिंपली बात दे रहे हो, तो बच्चे को एक हाथ पर इस तरह से रखें और बच्चे की पीठ होनी चाहिए ऊपर की साइड और बच्चे का जो फेस है वो नीचे होना चाहिए। एक हाथ से आप पानी लें और धीरे धीरे उस बच्चे के फेस को आप साफ़ करें, जिससे क्या होगा कि बच्चे की आंखों में भी पानी नहीं घुसेगा, नाक में भी नहीं जाएगा और मुंह में भी नहीं जाएगा, और आराम से बच्चा नहा भी लेगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को इस तरह से हैंडल करें, बच्चे के जो बैक है वो ऊपर होनी चाहिए और फेस नीचे होना चाहिए, और फिर पानी से आराम से आप अपने बच्चे के फेस को क्लीन कर सकती हैं। उसके बाद फिर उसकी नेक पे से आप पानी डाल दीजिए, आराम से बच्चा नहा लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कंडीशन आएगी कि बच्चे की नाक में, मुंह में या आँख में पानी चला गया।
अब लास्ट जो कि मेन पॉइंट है कि अगर बच्चे की नोज़ में आँख में या माउथ में पानी चला गया है तो फिर कैसे करें, तो उसके लिए भी है आप क्या करें, थोड़ा पैसे अपने आप को रिलैक्स करें और बच्चे की जो नोज़ है वह धीरे धीरे से इस तरह से हैंकी लीजिए और उसे हल्का हल्का प्रेस कर कर उसको पानी की निकालने की आप कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया है तो उसे खांसी भी हो सकती है, हो सकता है उसको जलन फील हो रही हो। तो आप क्या करें, क्योंकि छोटे बच्चे को पानी नहीं हम पिला सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को फीड कराएं, बच्चे को थपथपाती जाएं, उसकी पीठ को थपथपाती जाएं और अपनी फीड कराएं। लेकिन फीड तब कराना है जब बच्चा, अगर गंदा पानी या साबुन का पानी मुंह में चला गया तो पहले तो आप हल्के से बच्चे की पीठ को थपथपाने की कोशिश करें जिससे कि उसका निकल जाए। अगर वो नहीं निकल रहा, बच्चा अंदर निकल चुका है, तो आपको पैनिक नहीं होना, बच्चे की आंखों को अच्छे से पोंछिए, नोज को हल्का हल्का प्रेस करके पानी निकालने की कोशिश करिए, ठीक से हल्का प्रेस, लाइट हाथों से आपको प्रेस करना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं। फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को अपनी ब्रेस्ट फीड कराएं जिससे कि उसका जो माउथ का टेस्ट है वो ठीक हो जाए और बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। और प्रॉपर उसकी पीठ को थपथपाते रहें हल्के हल्के हाथ से, जिससे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जो भी पानी अटका हुआ है गले में या नोज़ में वो धीरे धीरे करके पेट के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। ये सब आप करके अपने बच्चे को रिलैक्स कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर बेबी रिलैक्स नहीं हो रहा, कंटिन्यू बच्चा रोता जा रहा है या फिर उसकी सिचुएशन संभल नहीं रही है, तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, पैनिक हो रहा है, आंखें नहीं खोल रहा और नाक में से बार बार पानी निकल रहा है, गला उसका खुल नहीं रहा, रोते समय उसकी वॉइस चेंज हो गई है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत बच्चे को दिखाएं और बीच बीच में अपनी फीडिंग जरूर कराती रहें जिससे कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बात दे सकती हैं और इस तरीके से आप अपने बच्चे को क्योर कर सकती हैं जब बच्चे के नाक में या मुंह में पानी चला जाता है। आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको नहलाते समय सावधानी रखनी है। अगर आप नहलाते समय सावधानी रखेंगे तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। तो माय डियर मॉमीज, इस तरीके से आप अपने बच्चे को क्योर कर सकती हैं। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।